उम्मीद पंखों वाली चीज़ है जो रूह में जम जाता है और बगैर अल्फाज के धुन गाता है और कभी भी नहीं रुकता। अगर मैं कोई किताब पढ़ती हूँ और उससे मेरे पूरे जिस्म को इतनी ठंड पड़ती है कि मुझे कोई आग कभी गर्म नहीं कर सकती, मैं जानती हूँ कि ये शायरी है। नहीं जानते कि तुलू फजर कब आएगी, मैं हर दरवाज़ा खोलती हूँ। बहार में थोड़ा सा जुनून बादशाह के लिए भी फ़ायदेमंद है। ये दुनिया को मेरा खत है, उसने मुझे कभी नहीं लिखा। मैं कोई नहीं, तुम कौन हो? क्या आप भी कोई नहीं? फिर हम में से एक जोड़ी है, बताना नहीं है। आप जानते हैं कि वो हमें जला वतन कर देंगे। जिंदा रहना बहुत हैरानकुन है, इसमें किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा वक्त बाकी रहता है। खूबसूरती का सबब नहीं है, एक दुनिया के पागल में मेरी शान माफ़ करो। एक लफ्ज़ मुर्दा है, एक लफ्ज़ मर गया है। जब ये कहा जाता है कुछ कहते हैं, मैं सिर्फ ये कहती हूँ जीना शुरू होता है उस दिन। रूह को हमेशा आज़रदा रहना चाहिए जो खुशगवार तजुर्बे के खैर मकदम के लिए तैयार है। कुत्ते इंसानों से बेहतर हैं क्योंकि वो जानते हैं लेकिन नहीं बताते हैं। छोटा सा पत्थर कितना खुश है, वो तनहा सड़क पर घूमता है और करियर की परवाह नहीं करता और महाजरीन से कभी खौफ नहीं होता है। जिसका कोट अंसरी भोरी है, एक गुजरती हुई कायनात पहुंची और सूरज की तरह आज़ाद एसोसिएट या अकेले चमकते हैं। मुतलक फरमान को पूरा करना गैर मामूली सादगी में दिल, हम उसे भूल जाएंगे। आप और मैं आज की रात, आपको जो गर्मजोशी उसने दी थी उसे भूल जाना चाहिए। मैं रोशनी को भूल जाऊंगी। दिल जो चाहता है वो चाहता है, वरना उसकी परवाह नहीं। हकीकत बहुत कम है, उसे बताना खुशी की बात है। अपने वालदेन को अजीज रखो क्योंकि ये उनके बगैर खौफनाक और उलझी हुई दुनिया है। वक्त के सबसे प्यारे, रूह के सबसे मजबूत दोस्त किताबें हैं। मैं लालटेन लेकर खुद को ढूंढ रही हूँ।